बच्चों एक और केस है, केस नंबर 4, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड फ्री फॉल, यानी लिफ्ट नीचे की तरफ तो आ रही है लेकिन ये फ्री फॉल कर रही है। फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि इस नीचे की तरफ आने वाला जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है, ठीक। फ्री फॉल का मतलब ये होता है, ठीक। तो इस कंडीशन में ए बराबर जी हो जाएगा, नीचे की तरफ आ रही है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी वो आर से ज़्यादा होगी, तो एफ नेट तो उसी पिछले तरीके से निकलेगा, एफ नेट बराबर डब्ल्यू माइनस आर। उसके बाद यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकाली है तो आर बराबर हो गया डब्ल्यू माइनस एफ नेट, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है एम जी, और एफ नेट का मैंने बताया है सेकंड और फर्स्ट केस में कि एफ नेट किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, एम इंटू ए। बट यहाँ पर देखो जी और ए दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। इसका ये मतलब है कि वेट जो वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन रिएक्शन को ही नापती है, ये मैंने फर्स्ट केस में बताया है ना, रिएक्शन को नापती है, और रिएक्शन यहाँ कितनी है, जीरो है, तो वेइंग मशीन की जो रीडिंग आएगी ना वो जीरो आएगी, यानी आपको भी आपका वेट जीरो महसूस होगा, यानी ये वेटलेसनेस की कंडीशन होती है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर वेट ही नहीं है। ऐसा कब होगा, जब फ्री फॉल करेगी लिफ्ट, तब यानी रस्सी लिफ्ट की अगर टूट जाए और वो फ्री फॉल करने लगे और उस पर कोई फोर्स ना लगे केवल ग्रेविटी लगे, तो उस कंडीशन में ये ऐसा होता है, ठीक।